Hi, student teachers. Amit Ohra from Eco Visioner. We have already completed demand and supply. So, rather than doing cost, revenue, and production, we have decided that we'll do market equilibrium first. Students can easily relate to demand and supply. Because topic related hai demand to supply, so we can do market equilibrium first. In this class, this part, we will be covering market equilibrium, disequilibrium, of course, in the market, and also how government intervenes and disturbs the equilibrium इन द मार्केट. तो ये दो टॉपिक हमें बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें कवर करने हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन. टू स्टार्ट विद टुडे वी बी स्टार्टिंग विद फर्स्ट इज द मार्केट इक्विलिब्रियम, द पॉइंट एट विच डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्ट. एज वी हैव मेड इन द डायग्राम, डिमांड कर्व इज DD कर्व एंड सप्लाई कर्व इज SS कर्व. एंड द डेफिनेशन सेज मार्केट इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस एट अ पॉइंट वेयर QD इज इक्वल टू QS, market quantity demanded is equal to market quantity supply. In the diagram, it is shown at point E, जहाँ पे demand और supply आपस में equal है. वहीं पे हम लोग fix कर देते हैं अपना price, that is OP. OP is the equilibrium price, and whereas OQ is the equilibrium quantity. This is how the price is being fixed in the market. Perfect industry में price ऐसे fix होता है, तो firms को वही follow करना पड़ता है. Seeing the schedule, we can easily see at 1 rupee the demand was more and the supply was less, so it is excess demand. At 2 rupees even the demand was more and the supply was less, till it was excess demand. At rupees 3 both demand and supply are 30, this is the equilibrium price. At rupees 4 the demand is less 20 and supply is 40, which is excess supply. And in the end, when the price is 5, the demand is just 10 units and the supply is 50, a situation of excess supply. तो ये दोनों सिचुएशन ज़्यादा देर तक नहीं रह जाती हैं और मार्केट यूजली वापस किस पे आ जाती है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे. वील अंडरस्टैंड टुडे हाउ द मार्केट रीचेज इट इक्विलिब्रियम. एवरी टाइम द इक्विलिब्रियम गेट डिस्टर्ब, तो ऐसी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होती है जिससे कि वापस वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है. आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द इक्विलिब्रियम. वेरी सिंपल, इक्विलिब्रियम इज जस्ट द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. हमारे डायग्राम में दैट इज पॉइंट ई, दैट इज नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम. जिस पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई कर्व्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज मार्केट इक्विलिब्रियम. लेट अस सी व्हेन मार्केट इक्विलिब्रियम में हम प्राइस ऊपर देखें. एट अ हायर प्राइस से ओपी वन, फर्स्ट कंडीशन, इट इज नॉट एन इक्विलिब्रियम. और आप इफ यू रिमेंबर गाइज दैट जब भी प्राइस ज्यादा होता है तो डिमांड कम रहती है. सो डिमांड इज एट पॉइंट ए, दैट इज ओडी, and supply is B, that is OS. Of course, it's a situation of excess supply. Industry mein supply zyada hai aur demand kam hai, to isse problem aayegi, thoda sa adjustment karna padega. Sellers ke beech mein bahut competition hone wala hai, kyunki consumers are not willing to buy much, whereas suppliers are willing to supply a lot. There's a gap of DS which has to be filled. So what will happen, this will bring the suppliers to sell at a lower price. इसकी वजह से supply contract करेगी और lower price पे demand extend करेगी on the same curve. So demand will come from A to E and supply will move from B to E. इस तरह से ये दोबारा कहाँ पे आ जाएगा, equilibrium point पे. So इस तरह से competition among sellers will lift the price down, जिससे कि दोबारा ये कहाँ मिल लेंगे, एट पॉइंट ई. बड़ा ईजी है यहाँ पे समझना. द सिचुएशन एट ओपी, प्राइस विल नॉट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम. दिस इज बिकॉज व्हेन देयर इज एक्सेस सप्लाई, इट विल बी मोर कॉम्पिटिशन अमंग्स सेलर्स. इट विल फोर्स देम टू रिड्यूस द प्राइस. और प्राइस फॉल होने से सप्लाई स्टार्ट टू फॉल एंड डिमांड राइजेस. ऐसे करते हुए दिस विल लीड टू द डाउनवर्ड मूवमेंट एंड अल्टीमेटली दे विल कम टू बैक टू ई. ए से ई डिमांड आ जाएगी इन आर प्रीवियस कर्व, और बी से ई सप्लाई आ जाएगी एंड वापस दिस विल कंटिन्यू टिल अगेन डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल. अगर हम इसका उल्टा केस देखें, उल्टा रिवर्स केस देखें, वेयर इफ यू टेक द प्राइस लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, मींस इफ यू टेक इट डाउन इन द डायग्राम. आई जस्ट एक्सपैंड दिस डायग्राम फॉर यू, देन आई अंडरस्टैंड यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू से.
अगर हम यहाँ देखें तो एट OP1 द डिमांड इज ऑफ कोर्स वेरी हाई, दैट इज OD, वेयर एज द सप्लाई इज लेस एट दिस प्राइस, दैट इज OS. देर बी कॉम्पिटिशन अमंगस्ट बायर्स हेयर. सो कंज्यूमर्स के बीच में कॉम्पिटिशन हमेशा प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाता है. तो प्राइस ऊपर जाएगा, ऊपर जाते हुए प्राइस में डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी फ्रॉम ए टू ई, और सप्लाई एक्सटेंड होगी फ्रॉम ए टू ई, और डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी फ्रॉम बी टू ई, एंड अगेन एट पॉइंट ई दीज टू विल इंटरसेक्ट. तो ये दोनों टेम्परेरी सिचुएशंस हैं ऑफ एक्सेस डिमांड और एक्सेस सप्लाई. तो कॉम्पिटिशन अमंग सेलर्स एंड बायर्स विल मूव द कर्व बैक. वो वापस इन पॉइंट्स को कहाँ ले आएंगे, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो दिस इज द वे. सो क्वांटिटी डिमांड विल बी स्टार्ट डिक्रीजिंग एट अ हायर प्राइस फ्रॉम बी टू ई, एंड क्वांटिटी सप्लाई विल स्टार्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू ई. तो वापस इट विल कम टू अगेन पॉइंट ई. तो मार्केट इक्विलिब्रियम अल्टीमेटली रीच करता है, चाहे एक्सेस सप्लाई हो चाहे एक्सेस डिमांड हो. एक्सेस डिमांड के टाइम पे देर इज कॉम्पिटिशन अमंग्स बायर्स विच पुल अप द प्राइस, एंड एक्सेस सप्लाई में देर इज अ कॉम्पिटिशन अमंग्स सेलर्स विच पुल डाउन द प्राइस, एंड वापस पॉइंट इक्विलिब्रियम पे आ जाता है. दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन मार्केट इक्विलिब्रियम एंड इट्स एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स इज व्हेन गवर्नमेंट ट्राइज टू इंटरवीन. तो यहाँ पे आप लोगों का समझना बहुत ज़रूरी है. काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि सरकार को बीच में आना होता है जब मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस बहुत हाई हो जाता है, और सरकार को लगता है कि नेसेसिटी गुड्स हैं, शुगर है, वीट है, राइस है, वो बहुत महंगा हो रहा है. तो वो मार्केट के इक्विलिब्रियम में जो प्राइस आ रहा है वो बहुत हाई आ रहा है. से चीनी आ रही है 60 रुपये केजी, इक्विलिब्रियम में 60 रुपये केजी आ रही है मार्केट प्राइस फॉर शुगर. द गवर्नमेंट फील दैट इट इज वेरी हाई फॉर कंज्यूमर्स टू अफोर्ड दिस शुगर एट 60 रुपीज. तो वो क्या करते हैं, वो एक चीज अपनी अप्लाई करते हैं देयर पावर टू इंटरवीन, एंड दे गो फॉर प्राइस सीलिंग. तो वो प्राइस सील कर देते हैं एट अ प्राइस लोअर. वो कहते हैं चीनी चीनी 30 रुपए से ऊपर नहीं बेची जाएगी. सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस इफ द प्राइस ऑफ शुगर इज सील्ड एट ₹30 हेयर, जबकि मार्केट के हिसाब से उसका प्राइस होना चाहिए 60. एट ₹30 आई एम श्योर द सप्लायर इज नॉट विलिंग टू सप्लाई, एंड ऑफ कोर्स एट ₹30 द डिमांड इज प्रेटी हाई. तो ओ एस इज द सप्लाई हेयर विच इज शॉर्ट, एंड ओ डी इज द डिमांड. अभी जो हमने एक्सेस डिमांड वाला केस पढ़ा था वही सिचुएशन अराइज हो जाती है. और गवर्नमेंट ये मुसीबत में ही करती है जब कोई चीज़ बहुत महंगी हो जाए तो गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, स्पेशली ऑन दी नेसेसिटीज ये गवर्नमेंट ये लागू करती है. तो अब देखिए इससे करने से सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ भी जाती है, इसकी इम्प्लीकेशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है. पहले हमें डायग्राम समझना है कि मार्केट के हिसाब से चीनी का प्राइस 60 रुपये था. गवर्नमेंट को लगा ये प्राइस बहुत हाई है तो उन्होंने इसको नीचे फिक्स कर दिया कि कोई भी इससे ज़्यादा नहीं बेचेगा, दैट इज 30 रुपीज़. पर मार्केट फोर्सेस के हिसाब से सप्लायर इतने कम प्राइस पे विलिंगली सप्लाई करने को तैयार नहीं है इतनी क्वांटिटी, तो वो सिर्फ OS क्वांटिटी सप्लाई करता है, जबकि बायर इस प्राइस पे कम प्राइस पे काफ़ी खरीदने को तैयार है, दैट इज OD. सो देयर कम द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड. अब यहाँ पे इसकी खतरनाक इम्प्लीकेशंस दिखाई देती हैं. इस प्राइस सीलिंग की एक बहुत हमें प्रॉब्लम दिखाई देती है, इस प्राइस सीलिंग की. आई जस्ट शो यू. यहाँ पे सप्लायर अपना सामान होल्ड करना शुरू करते हैं, होल्डिंग. और क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा था प्राइस बहुत महंगा है तो गवर्नमेंट ने प्राइस नीचे फिक्स कर दिया, पर सप्लायर को लगता है कि उसे बहुत लॉस होने वाला है. तो क्या करते हैं, वो होल्डिंग करके उसको ब्लैक मार्केटिंग से बेचना शुरू करते हैं. तो बड़ा सिंपल सा एक फंडा है, जब उनको लगता है कि इतने प्राइस पे नहीं बेचना तो वो दुकान से माल गायब कर देते हैं.
स्टोर दे वो ह्यूज स्टॉक ऑफ गुड वो इलीगली स्टोर करते हैं, और क्योंकि कंज्यूमर के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा होता है कि मैं खरीदूंगा, शॉर्टेज है, तो सर्टनली दे आर विलिंग टू पे थ्रू ब्लैक मार्केट या विलिंग टू पे हायर प्राइस फॉर इट. तो वो 30 वाली चीज़ वो फिर 60 में या 80 में वो ब्लैक मार्केट से बेचते हैं, शॉर्टेज दिखाते हैं. उधर से गरीबों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑल्सो हैज टू डू सम रैशनिंग, तो गवर्नमेंट फिर रैशनिंग, इसकी इम्प्लीकेशन रैशनिंग आती है. ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग प्राइवेट वाला करता है. सो असेंशियल कमोडिटीज को राशन शॉप से बेचा जाता है कि भैया जो पहले आ जाएगा ले जाएगा और उतनी ही क्वांटिटी लेके जाएगा. सो वहाँ गवर्नमेंट बचाने की कोशिश करती है जब वो प्राइस सीलिंग करती है, और यहाँ से प्राइवेट वाला उसकी होर्डिंग करके वो ब्लैक मार्केट शुरू कर देता है. तो देर इज अ प्रॉब्लम व्हेन गवर्नमेंट इंटरवीन्स एंड प्रैक्टिस मैक्सिमम प्राइस सीलिंग. तो देर इज अ प्रॉब्लम दैट मैनी ट्रेडर्स डोंट लाइक इट, ये होल्ड करना शुरू कर देते हैं, और जो कस्टमर्स अमीर होते हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको वो ब्लैक मार्केट में महंगे दामों पे बेच देते हैं. दिस इज द इम्प्लीकेशन ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन जब वो प्राइस नीचे फिक्स करती है, प्राइस सीलिंग प्रैक्टिस करती है मैक्सिमम. ये तो कंज्यूमर को बचाने के लिए करती है, और दो बाद में कंज्यूमर को नुकसान होता है, पर ये कंज्यूमर को बचाने के लिए गया है. टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर मैक्सिमम प्राइस सीलिंग टेक्स प्लेस. तो आप देखना हमेशा वीट राइस के प्राइस जब भी हाई होते हैं तो गवर्नमेंट जाके मिनिमम अपना एक 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 कहता है कि इस प्राइस से आप ज़्यादा नहीं बेचेंगे, प्राइस सील कर देता है जिससे कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग चालू हो जाती है. पर कई बार वो किसान को भी बचाती है. गवर्नमेंट किसान को बचाने के लिए सेकेंड वे ऑफ इंटरवेंशन करती है, दैट इज ऑफ कोर्स मिनिमम प्राइस सीलिंग कहते हैं या प्राइस फ्लोर भी कहते हैं. उनको लगता है कि यार इतना पैसा लगा के किसान ने सामान बनाया और मार्केट कह रही है कि वो चीज़ कितने की होनी चाहिए, 4 रुपए की पर केजी, तो सरकार को लगता है कि 5 रुपए तो किसान की लागत है, तो सरकार फिर प्राइस फिक्स करती है ऑन अ हायर साइड. वो कहती है नो बडी विल सेल दिस कमोडिटी फॉर लेस देन 8 रुपीज. तो जब वो ऊपर प्राइस फिक्स कर देती है नॉट टू बी सोल्ड लेस देन 8 रुपीज, देन ऑपोजिट सिचुएशन टेक्स प्लेस. एट 8 रुपीज नो बडी, बिकॉज मार्केट में डिमांड उस हिसाब से नहीं है, तो नो बडी इज विलिंग टू बाय एट रुपीज 8. बट एट 8 रुपीज द फार्मर इज विलिंग टू सेल. तो ये प्राइस फ्लोर में फार्मर विलिंगनेस है सेल की, एक्सेस सप्लाई है बट डिमांड नहीं होती है. सो दे से दैट गवर्नमेंट फिक्स करती है प्राइस हायर ले उस पे, तो उनको क्या करना पड़ता है. इस बार वो फार्मर को सेफ गार्ड कर रहे थे, तो प्रोड्यूसर को सेफ गार्ड कर रहे थे, तो इसमें फिर गवर्नमेंट फिर से बीच में आती है. जब जो सामान वो मार्केट में बिक जाता है कई बार किसान लोअर प्राइस पे बेच देते हैं, पर बाकी जो स्टॉक होता है वो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद लेती है. तो इसकी इम्प्लीकेशन है, आपने सुना होगा एक टर्म MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस. तो पहले ही गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है कि अगर आपका सामान नहीं बिका एट दैट गिवन प्राइस तो गवर्नमेंट उसे खरीद लेगी. सो गवर्नमेंट बाय दैट सरप्लस एंड क्रिएट अ बफर स्टॉक टू बी यूज इन फ्यूचर इन केस ऑफ एमरजेंसी. जब कोई ऐसे हादसा आता है, अभी कोरोना वायरस आया, कोई फ्लड आता है, तूफान आता है, तो वहाँ पे सरकार ये बफर स्टॉक का यूज करती है, और या फिर राशन शॉप से सस्ते दामों में गरीबों को बेचती है. दूसरी इम्प्लीकेशन इस इंटरवेंशन की ये रहती है कि काफ़ी बार किसान ये बात नहीं मानते हैं और इलीगल तो नहीं कहेंगे इसको, वो सस्ते दामों में मार्केट में बेच देते हैं. दोनों के अपने अपने इम्पैक्ट आते हैं. प्राइस फ्लोर दैट इज मिनिमम प्राइस सीलिंग, जहाँ वो किसान को बचाने के लिए स्टेप लेती है गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट इन टर्म व्हाट आर वी ट्राइंग टू से, गवर्नमेंट मार्केट फोर्सेस में इंटरवीन करती है, चाहे उसकी इम्प्लीकेशंस कुछ भी आए पर काफ़ी लोगों को उसका फायदा होता है. सो गवर्नमेंट कम्स एंड इंटरवीन्स व्हेन इट वांट्स टू एक्चुअली सेफ गार्ड द कंज्यूमर. इट फिक्सेस द प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस एंड व्हेन दे वांट टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस अबव. दोनों की अपनी अपनी इम्प्लीकेशंस हैं जो आपको देख ली, मैंने बताई दी हैं आपको. एक में ब्लैक मार्केटिंग होर्डिंग हो जाती है क्योंकि सप्लायर की विलिंगनेस नहीं होती बेचने की और वो माल छुपा लेता है,
और रैशनिंग होती है बाय द गवर्नमेंट टू सेव द पुअर, वेयर एज प्रोड्यूसर को जब सरकार महंगा बेचने को बोलती है और उसकी डिमांड नहीं होती है तो बाकी स्टॉक फिर गवर्नमेंट खरीदती है, और या फिर जब प्रोड्यूसर बहुत भूखा मर रहा होता है तो वो सस्ते दामों में बिना बताए सरकार को वो माल बेचना शुरू कर देता है. सो दैट इज़ द वे गवर्नमेंट इंटरवेंशन अफेक्ट्स द मार्केट. और पहले हमने किया कि अब ये दोनों केसेस कॉमन है, दोनों में एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई का एक्सप्लेनेशन है, पर एक में मार्केट में ऐसा हो गया ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स और एक में गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया. तो स्टूडेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर कोर्स. एंड लास्टली आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट टू सब्सक्राइब आर यूट्यूब चैनल्स. हम बहुत सारे करंट अफेयर्स के बेस पे वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, नए नए वीडियोज आ रहे हैं जिससे आप अपने कोर्स को न्यूज़ के साथ करंट मॉडर्न जो इस समय वर्ल्ड में हो रहा है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में यू कैन इजीली रिलेट टू योर सब्जेक्ट्स. सेकेंड वी आर कमिंग अप विद एन इंटरनेशनल इकोविजनर ओलंपियाड इन द मंथ्स ऑफ नवंबर दिसंबर एंड जनवरी. यू कैन जस्ट रजिस्टर योर सेल्फ बाई पेइंग जस्ट 100 रुपीज एंड कॉम्पीट विद थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया एंड सी बी एस ई स्टूडेंट्स अब्रॉड. ऑल्सो वी हैव इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज ई बुक्स फॉर यू एट आर एप स्टोर. यू कैन कीप चेकिंग देयर. विल बी अपलोडिंग सून फॉर क्लास 11 टू. एंड ऑल्सो इफ दी स्टूडेंट्स यू वॉन्ट सम पर्सनल सेशंस बाय आर एक्सपर्ट डाउट सेशंस तो सर्टनली एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट यू कैन राइट अस अ मेल और ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस थ्रू आर ऐप. यू आर ऑलरेडी अ मेम्बर इन दी ऐप, यू आर रजिस्टर्ड देयर. दिस आर द मेल एड्रेस एंड आर फोन नंबर्स फॉर एनी अदर क्वेरी. अमित अरोरा साइनिंग ऑफ. टेक केयर, बी हेल्दी, गॉड ब्लेस यू.